हेलो गाइज, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल को लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ओ तेरा कहना कि मैं हूँ जिंदगी तेरी, इस साउंड पे वीडियो को अपलोड किया गया है जो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरह के वीडियो आप किस प्रकार बना सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे आपको लास्ट तक देखना है, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो का डिस्क्रिप्शन से विदाउट वाटरमार्क काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका, उसी से साउंड पे वीडियो को शूट कर लेना है। तो मैंने जो वीडियो शूट किया हूँ उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फर्स्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट किया हूँ, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, 2 से 4 बार प्ले कर आपको देख लेना है वीडियो किस प्रकार शूट किया गया है। इस वीडियो में देखना हमें वीडियो कहां से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो हमने वीडियो फर्स्ट पार्ट का कुछ इस तरह से शूट किए थे, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और सिंपल आपको क्रोमा की को इनेबल कर देना है। ऐसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। वीडियो को आगे की तरफ प्ले कराना है, आपको यहाँ पे 3.6 तक का पार्ट आपका चाहिए तो आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैची के निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड 2 प्ले हिट कर देंगे। इसके बाद मीडिया पर आना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को आपको जहाँ तक आपको दिख रहा है वहीं तक आपको रहने देना है, यानी कि 4.6 तक रहने देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग के निशान पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। अब आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है, तो आपको भी कुछ इस तरह से ही शूट कर लेना है। इसके बाद इस वीडियो को 7.9 तक रहने देना है। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। फाइनली जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आपका वीडियो खत्म हो रहा है। आप देख सकते हैं फिर से हमारा ब्लैक कलर यहाँ से स्टार्ट होना चालू हो गया है। सिंपल आपको करना क्या है, 9.3 या 9.4 पे आना है, वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देंगे। मीडिया पर आना है और आपने जो सेकेंड पार्ट का वीडियो शूट किए थे उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे सेकेंड पार्ट का वीडियो को सेलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हैं सेकेंड पार्ट में वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट जो एक्स्ट्रा है ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। तो हमने वीडियो कुछ इस तरह से शूट किए थे, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद स्पीड 2 प्ले हिट करना है। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ प्ले कराना है और सेकेंड वीडियो जो हमने शूट किए थे कुछ इस तरह से शूट किए थे, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट करना है और इसे हम स्पीड 2 प्ले हिट करते हैं। और इस वीडियो को हमें स्लो मो करना है तो स्पीड कंट्रोल पे आना है, 0.5 कर देना है। ये वीडियो आपको देख सकते हैं आपका स्लो मो में हो चुका है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है, आपका वीडियो कुछ इस तरह से एडिटिंग करना है। तो लास्ट पार्ट का वीडियो कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में आपको देखना है कुछ पार्ट एक्स्ट्रा तो होना है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं। जब फाइनली जब आपका वीडियो प्ले होगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन कर देना है। आप देख सकते हैं आपका वीडियो जब प्ले करेंगे तो फाइनल वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, जो टिकटॉक पे फिलहाल भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है या फिर इस तरह से सेंटर में कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है और आपका वीडियो जो है उस वीडियो में सारे वीडियो को ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो सबसे पहले मैं साउंड को म्यूट कर देता हूँ। शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।